दोस्तों आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पालक की दाल। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं एक कटोरी चने की दाल ली हूँ और इसको मैं बिन करके अच्छे साफ कर ली हूँ। अब इसको हम भिगोएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं एक बड़े बर्तन में सफ़ा पानी ली हूँ, दाल को उसमें हम डालेंगे। तो ये रहा दोस्तों, मैं एक कटोरी चने की दाल पूरी डाल दी हूँ। अब इसको हम 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं फूलने के लिए। तेरा दोस्तों आप देख सकते हो, 3 घंटे के बाद हमारी दाल कितनी अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम अच्छे से इसको इस तरह से करके धो लेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम पानी को अच्छे से बाहर कर देंगे, आप देख सकते हो दोस्तों। अब हम उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं एक कुकर ली हूँ, कुकर में हम दाल को डालेंगे। दाल को डाल दी दोस्तों। अब उसके बाद इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। मतलब ये देखिए, इस तरह से मैं 1 गिलास ली हूँ, इससे हम 2 गिलास इसमें पानी डालेंगे। पानी को डालने के बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसमें हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। दोस्तों हमारा 4th सीटी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, मैं 1 कटोरी पालक ली हूँ, इसको धोकर के साफ कर ली हूँ। यहाँ हरी मिर्च ली हूँ, 3 टमाटर ली हूँ और यहाँ पे 2 प्याज ली हूँ, लहसुन ली हूँ। तो सबसे पहले हरी मिर्च को काट लेंगे पूरा बारीक। उसके बाद हम दोस्तों लहसुन को भी काट लेंगे। तो ये रहा दोस्तों, लहसुन मिर्ची कट के तैयार हो गया है। प्याज को भी बारीक काट लेंगे, उसके बाद टमाटर को भी। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर कट गया है। तो इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है, अब इसको हम खोलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो दाल कितने अच्छे से चूर गई है, मतलब पक गया है दाल। ये देखिए, अब हम चलते हैं, कढ़ाई रखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मैं कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई गर्म हो गया है। इसमें हम तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं तड़का ली हूँ, जीरा और सूखी लाल मिर्च ली हूँ, इसको हम डाल देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं। तो ये रहा तड़का हमारा भून गया दोस्तों। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, ये देखिए, लहसुन को भी अच्छे से पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लहसुन अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो प्याज को भी डाल करके अच्छे से इसको लाल होने तक भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हल्का हल्का ब्राउन हो गया हमारा प्याज। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को भी अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से हमारा हरी मिर्च भी ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से भून गया था। टमाटर को भी डाल करके अच्छे से इसको हम टमाटर को पका लेते हैं। दोस्तों आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा ढक करके 2 मिनट पकाएंगे। तो ये रहा दोस्तों, 2 मिनट हो गया है। आप देख सकते हो टमाटर भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम इसको डोलाने के बाद इसमें हम पालक डालेंगे। तो ये रहा, जो पालक धो करके रखी थी साफ करके, इसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद इसको भी अच्छे से हम तड़के में, जो हमारे पास टमाटर ये सब तड़के थे, उसमें हम अच्छे से इसको मिलाएंगे। और मिलाने के बाद इसको दोस्तों ढक करके 3 मिनट मीडियम आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 3 मिनट के बाद अब हम खोल करके देखेंगे कि पालक अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए, अच्छे से पालक पक गया है। अब इसमें हम दाल को डालेंगे। ये देखिए, जो दाल को पका के रखी थी, अब इसको हम पालक में डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से हम पालक को और दाल को साथ में अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों, हमारा पालक की दाल अच्छे से बन गया है। और इसको हम 2 मिनट अभी ढक करके और पकाएंगे, मतलब पालक दाल को साथ में 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट के बाद दोस्तों खोल करके देखेंगे हम कि हमारा दाल अच्छे से बन गया है कि नहीं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो दाल अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं 2 चम्मच रिफाइंड का तेल ली हूँ। अब तेल को हम गरम कर लेंगे।
तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, मीडियम गर्म करेंगे और इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। आप ये देखिए दोस्तों, इस तरह से डोला देंगे। डोलाने के बाद अब हम दाल में तड़का लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम तड़का लगा देंगे दाल में। तो ये रहा दोस्तों हमारा पालक का दाल बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।